हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार और आप देख रहे हैं टेक एसपीआर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिस्पोजल मोबाइल नंबर के बारे में। जैसे कि बहुत सारी साइटें होती हैं जहां पर आप अपना पर्सनल मोबाइल नंबर नहीं देना चाहते हैं और उस पर अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप इन डिस्पोजल नंबर का यूज कर सकते हैं और वहाँ से आप अपना OTP बाईपास कर सकते हैं और वेरीफिकेशन कर सकते हैं सक्सेसफुली। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले आप अपना कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूं और यहां पर आपको सर्च करना है, गूगल सर्च करना है डिस्पोजल नंबर, डिस्पोजल मोबाइल नंबर। आप इसको सर्च करेंगे तो आप लोगों को यहां पर बहुत सारी साइटें मिलेंगी। आप लोग सबसे ऊपर वाली साइट पर receivesms.com, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको बहुत सारे नंबर्स यहाँ पर मिल जाते हैं। इंडिया के नंबर भी मिलेंगे आपको और अदर कंट्रीज़ के भी मिलेंगे। तो आप जो भी एक नंबर चूज करना चाहते हैं वो नंबर चूज कर सकते हैं। और इस पर कुछ मोबाइल नंबर्स रजिस्टर्ड यूजर्स के लिए हैं, जैसे ये वाला इंडिया का नंबर रजिस्टर्ड यूजर के लिए, जो इस पर रजिस्टर्ड करेगा साइट पर वही ये यूज कर सकता है। तो यहाँ पर ये एक नंबर है इंडिया का, इसको मैं क्लिक करता हूँ और इस नंबर पर हम OTP बाईपास करके देखते हैं अपना। तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ से भी आप चूज कर सकते हैं अपना कोई भी मोबाइल नंबर। तो मैंने इस इंडियन मोबाइल नंबर को चूज किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ इस नंबर को, क्योंकि मैं इस नंबर को करने वाला हूँ यूज दूसरी जगह पर। और एक नई टैब ओपन करते हैं और उसमें आप कोई भी साइट जहाँ पर आप चाहते हैं इसको वेरीफाई करना OTP के लिए, तो वो साइट जहाँ जो भी आपको करना है वहाँ पर जा सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर एक सर्च करके देख लेता हूँ स्नैपडील। मैं स्नैपडील पे अकाउंट बनाना चाहता हूँ इस मोबाइल नंबर के थ्रू, तो मैं स्नैपडील ओपन कर लेता हूँ और स्नैपडील ओपन करूँगा और इसमें अकाउंट क्रिएट करके मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप किस तरीके से इसमें अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए, इसमें पहले से मेरा अकाउंट लॉगिन है तो इसको कर देता हूँ मैं लॉगआउट और फिर से मैं इसमें अकाउंट क्रिएट करूँगा। तो ये मोबाइल नंबर आप यहाँ पर अपना जो वहाँ से कॉपी किया था यहाँ पे कर देता हूँ मैं पेस्ट, और इसको पेस्ट करने के बाद में यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। और ये मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया और ये पूछ रहा है कि लॉगिन विद SMS कोड करना है या फिर लॉगिन विद पासवर्ड, मतलब कि इस पे पहले से किसी ने अकाउंट बना रखा है स्नैपडील का इस नंबर के थ्रू, तो इसमें आप लॉगिन कर सकते हैं, इसमें क्रिएट नहीं कर सकते अकाउंट को। तो मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ बाय SMS। तो अब देखता हूँ कि मैसेज मुझे कहाँ पे मिलेगा। आप फिर से उसी साइट पे जाइए जहाँ पर आपने जो टैब खोला हुआ था, जहाँ से नंबर कॉपी किया था, वहीं जाइए और उस पेज को कर दीजिए रिफ्रेश। तो मैं पेज को रिफ्रेश कर दिया, पेज हुआ रिफ्रेश। अब देखते हैं कि हमारे पास OTP आया है या नहीं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये TM स्नैपडील, मतलब ये OTP हमारे पास आ चुका है 5190 यहाँ पर आ चुके हैं। तो 5190 इसको हम अपने उसी जहाँ पर OTP हमको फिल करना है यहाँ पे हम फिल कर देते हैं। तो क्या था 5190, तो इसको मैंने OTP किया फिल। और आप ये देख सकते हैं ये किसी ने पहले से बना रखा था, जगधीर सिंह नाम से ये किसी ने स्नैपडील पे बनाया हुआ था अकाउंट और वो अकाउंट हो चुका है यहाँ पर लॉग इन। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं अपने OTP को बाईपास।